Hello everyone, how are you all? Well, as you know that we are doing our revision work. So till now we have completed MCQ, fill-ups, true-false and application-based question answers. Okay, now only mainly तो हमारे question answers are remaining, है ना? But today we will do some full forms of our chapter number 9. रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 9, ठीक है. चैप्टर 9 में कुछ हमारे फुल फॉर्म्स हैं जो हमें आना चाहिए और क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग बाद में लेंगे. देर आर आई थिंक देर आर 16 to 18 क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास. कितने क्वेश्चन हैं? आई थिंक 16 to 18 क्वेश्चन हैं हमारे पास जो हम लोग रिविजन वर्क में कवर अप करेंगे. बट उससे पहले हम लोग आज करेंगे फुल फॉर्म्स वाला वर्क और एक वर्क और है हमारा मैचअप वाला वर्क, वो भी हम लोग पहले कवर अप करेंगे. उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पिक करेंगे, ठीक है. अब सबसे पहले हम करते हैं, देखो 9th चैप्टर हमारा था किससे रिलेटेड? इंटरनेट और ईमेल से रिलेटेड, है ना. इंटरनेट में हमारे पास बहुत सारे टर्म्स ऐसी हैं जिनके लिए कुछ फुल फॉर्म्स का यूज में लिया जाता है, कुछ शॉर्ट फॉर्म में हम उनको बोलते हैं, उनके फुल फॉर्म्स हम लोग करेंगे. फर्स्ट है हमारे पास www. क्या है हमारा? वर्ल्ड वाइड वेब. क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब. अभी वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, बहुत बार हमने किया भी है. हर वेबसाइट के आगे हमारा, अगर हमें कोई भी वेबसाइट को ओपन करना है तो उससे पहले, उसके नेम से पहले हमें www लगाना होता है, है ना. तो www क्या है हमारा? वर्ल्ड वाइड वेब, जो हमें पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है. पूरे वर्ल्ड में क्या करता है? हमें कनेक्ट करके रखता है कि कहीं से भी कुछ भी हमें ओपन करके दे देता है. उस वेबसाइट से में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें ओपन हो जाती है वर्ल्ड वाइड वेब से. अगर हम लोग वो नहीं लगाएंगे www तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी. नेक्स्ट है मॉडम. मॉडम क्या था हमारा? बहुत हमने पढ़ा था मॉडम के बारे में. मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. एक ही डिवाइस में दो चीजें होती हैं, दो वर्क परफॉर्म हो रहे हैं, मॉड्यूलेशन का भी और डीमॉड्यूलेशन का भी. इनका क्या काम होता है? देखो मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर जो हैं वो क्या करते हैं? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसलेट करते हैं. ट्रांसलेट मतलब कैसे करते हैं? डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं. डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो हमारा कंप्यूटर समझता है, एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो हमारा टेलीफोन लाइन समझती है, ठीक है. तो मॉडम जो है वो टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होता है. जब भी हम कंप्यूटर से कोई डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो वो डेटा पहले मॉडम के पास जाता है, मॉडम उस सिग्नल को पिक करता है, उसको रिक्वायर्ड फॉर्म में ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करने के बाद वो आगे उसको ट्रांसमिट करता है. ये हमने मॉडम का प्रोसीजर पढ़ा था, ठीक है. मॉडम में दो चीजें होती हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर जो है वो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और जो डीमॉड्यूलेटर है वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है. तो ये है हमारा मॉडम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. नेक्स्ट है आईएसपी. आईएसपी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. आईएसपी वो कंपनीज हैं जिनके थ्रू हम लोग इंटरनेट फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं. वो कंपनीज होती हैं जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराती हैं. कुछ प्रोवाइडर्स होते हैं ये इंटरनेट के, है ना. ये हमें फीस लेके और हमें इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, तभी तो हम लोग कहते हैं ना मंथली रिचार्ज कराना है या 3 मंथ्स में रिचार्ज कराना है या 4 मंथ्स में रिचार्ज कराना है. नेट पैक हम लोग डलवाते हैं, जैसे हमारे फोन में भी होता है मोबाइल इंटरनेट की फैसिलिटी, है ना. तो अगर हमारे पास नेट पैक नहीं होगा तो हम कैसे कराएंगे? और जो भी हमारे पास सिम होती है हम उसी से रिलेटेड करवाते हैं. जैसे अगर हमारे पास एयरटेल की सिम है तो हम एयरटेल से रिलेटेड करवाएंगे, अगर हमारे पास जियो की सिम है तो हम जियो का नेट यूज करेंगे. तो हर कंपनी का अलग अलग नेट सर्विस होती है, ठीक है. तो ये क्या है हमारी आईएसपी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. नेक्स्ट इज ईमेल. ईमेल क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेल जो हम लोग, जैसे हम लोग अपने लेटर्स को पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पोस्ट ऑफिस में भेजते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू या पोस्ट बॉक्स के थ्रू हम लोग सेंड करवाते हैं, कुरियर कराते हैं, स्पीड पोस्ट कराते हैं. अगर हमें सेम डेटा को कुछ भी टेक्स्ट फॉर्म में भेजना है, इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको भेज सकते हैं, उस फैसिलिटी को हम क्या बोलते हैं? ईमेल. ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल.
नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली काम चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली तो चल रहा है, मशीन के थ्रू चल रहा है ना ये काम। नेक्स्ट है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी जो है वो यूज होती है हमारी इंटरनेट ईमेल फैसिलिटी के अंदर। सीसी का मतलब होता है इसके अंदर हम लोग बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस को डाल देते हैं। अगर हमें एक ही मैसेज को बहुत सारे पर्सन्स को भेजना है तो हम उन पर्सन्स की ईमेल आईडी वहां पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या होता है कि अगर हमें कोई प्राइवेसी नहीं है कि हमें सबको भेजना है और सबको पता भी चल जाए कि हमने किस किस को ये मैसेज भेजा है, तो हम सीसी में ही वो सारे एड्रेसेस को फिल कर देते हैं। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, एक चीज की डुप्लीकेट, यानी एक चीज को हम लोग काफी सारे पर्सन को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम बीसीसी के अंदर सारे एड्रेसेस को डाल रहे हैं, ईमेल एड्रेसेस को फिल कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि जितने भी पर्सन्स को हम भेज रहे हैं अपना ईमेल, अपना डेटा, वो सब पर्सन्स को पता ही नहीं चलता कि हमारे पास, हमारे अलावा ये डेटा किस किस के पास गया है। तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऐसी कॉपी जो दिखती नहीं है कि हमारे अलावा ये किसी और के पास भी गई है। डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डीएसएल जो है वो एक टाइप का इंटरनेट कनेक्शन है जो टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट है यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये हमारे कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो हमारे रिलेटेड हैं चैप्टर नंबर 9 से। आपको इसको नोट डाउन करना है एंड यू हैव टू लर्न दिस। थैंक यू।